हेलो सब, कौन सा हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग हेलो सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, जय महाराष्ट्र, जय मॉर्निंग वाले कौन है रे? जय महाराष्ट्र भाई, जय महाराष्ट्र। तो आज हम लोग पीओएम का मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। हाँ सर। सर तो एक्सरसाइज वन से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों डाल सकते हैं सर, फिफ्थ सर। ये इन चैप्टर एक्सरसाइज भी करना है डिस्कस बोर्ड पे? कुछ नहीं 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 सर, इन चैप्टर नहीं करना है ना, एक्सरसाइज वन से करें? नहीं। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज वन से करते हैं। एक्सरसाइज वन में बताइए कौन सा डाउट है। फिफ्थ सर, फिफ्थ इजी। तो ये कुटला वाला डॉक्यूमेंट है यार। फिफ्थ में देखो, ये बोला गया है कि लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटल वायर इज ऑब्जर्व टू बी एल वन एंड एल टू अंडर स्ट्रेचिंग फोर्स एफ वन एंड एफ टू, तो नेचुरल लेंथ ऑफ वायर। तो कोई वायर लिया गया है जिसको हम कोई फोर्स लगा के स्ट्रेच कर रहे हैं, ये मान लो एल लेंथ की वायर है। जब हम इस पे एफ वन फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी लेंथ एल से एल वन हो जा रही है, और जब हम इस पे F2 फोर्स लगा रहे हैं इसी वायर पे तो लेंथ L से L2 हो जा रही है। तो हमें L की वैल्यू बतानी है ना, नेचुरल लेंथ कितना है। तो हम लोग यहाँ पर वायर के लिए हमें पता है ना, हम वायर को एक स्प्रिंग मान सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बोलते हैं, ए वाई बाय एल। ठीक है, याद है सबको, ए वाई बाय एल ऐसे बोल सकते हैं। हाँ सर। तो अब अगर हम इसके लिए एफ इक्वल टू के एक्स लगाए तो ए वाई बाई एल यहाँ आ जाएगा, और x कितना बोलेंगे अगर हम f1 लगा रहे हैं तो स्ट्रेच कितने का है? l1 माइनस l, l1 माइनस l ना, फाइनल लेंथ l1 है, इनिशियल l था। हाँ। ऐसे ही सर f2 लगाएंगे तो f इक्वल टू के एक्स लगा रहे हैं ना, k मतलब ए वाई बाई एल, और अभी x कितना हो रखा है, l2 माइनस l, l2 माइनस l। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा f1 by F2 equal to L1 minus L upon L2 minus L। देखो आपको F1 दिया है, F2 दिया है, L1 दिया है, L2 दिया है, और L पूछा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो L हो जाएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 13 सर। 9th बताओ। 14 9th बता दो सर। ठीक है, 9th देखो। 7th वाला बेटा 8 8 और 7 भी बताना है। कि वायर के लिए जब हम स्ट्रेच करते हैं, ये वायर के लिए ग्राफ दिया है ना, एक थिन वायर के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे, ये कौन कर रहा है भाई, कौन है ये? कौन है भैया, कौन कर रहा है ऐसा? सर वो पेन का ऑप्शन होगा, देखो वो निकाल दो। क्या क्या? पेन का ऑप्शन वो निकाल दो। हाँ वही देख रहा हूँ, कौन है ये, उसको बाहर ही निकालना पड़ेगा। ये क्या है, आपकी आवाज नहीं? अबे आवाज नहीं आ रही तो क्या सबको परेशान कर दोगे? ये पता कैसे चलेगा कौन लिख रहा है ऐसे स्क्रीन पर? ओ दिखता नहीं सर, दिखता नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। वो ऑप्शन होगा देखो, ये डिस्कार्ड करने का सर, इस पे लिख डालो ना, इस पे लिख डालो। हाँ सर। हाँ सर समझ रहा है, इस पे ढूंढते वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है यार, ये तो गलत बात है। छोड़ो ना सर, लिख दो उस पे डायरेक्ट, इरेजर से निकाल सकते
नहीं वो तो निकल तो जाता है, उसकी तो दिक्कत नहीं है, उसमें सेटिंग में नहीं होता होगा कहीं पे भी लिखने का परमिशन सबको नहीं होना चाहिए। हाँ सर होता है वैसा होता है होता है देखते हैं करो कहाँ पर टाइम वेस्ट करा रहे हैं यार ये लोग। अबे यार कौन तो था ये तेरी कौन है इसको आवाज नहीं जा रही है ये सर। हो गया ठीक है चलो अब देखो तो अब देखो इसमें क्या है कि सेवेंथ में ऐसा बोला गया था कि F वर्सेस X हमें दिया हुआ है यहाँ पर सर हाँ हाँ आप ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो ना हाँ हाँ रिकॉर्ड कर रहा तो F वर्सेस ये X का ग्राफ दिया हुआ है कोई वायर के लिए तो वायर के लिए हम F और X में क्या रिलेशन होता है F इक्वल टू के एक्स और यहाँ देखिए Y एक्सिस पे ये है F है और X एक्सिस पे X है ना ये तो ये मतलब K इसका क्या होगा स्लोप होगा बराबर और स्लोप जो होगा K वो किस पे डिपेंड करेगा ए वाई बाय एल और एल क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने पे एल क्या होता है बढ़ता है ना बढ़ता है देखिए यहाँ पर दो ग्राफ ऐसे दिए हुए हैं ये दो ग्राफ है एक T1 टेम्परेचर पे ये T2 टेम्परेचर तो T1 से T2 जाने में स्लोप क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होगा मतलब T2 ग्रेटर देन T1 होगा समझ आया सबको एक सेकंड रुको कुछ गड़बड़ बोला अगर एल बढ़ाऊंगा तो स्लोप कम होगा ना उल्टा बोल दिया कम होगा सर एल बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा और एल कब बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने पे मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर स्लोप कम होगा तो जिसका स्लोप कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है ना मतलब अब रिलेट करना समझ गया ना अब उसके अकॉर्डिंग रिलेट करो नेक्स्ट बताओ सर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है 1 में कोई डाउट है और किसी को 13 नहीं सर 13 देखो 13 एक सही क्वेश्चन है वो देख 8 8 भी है ठीक है 8 देखता हूँ पहले 13 देख ले 13 में देखो दिया गया है अ बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रिलीज्ड इन विस्कस लिक्विड वैल्यू ऑफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू कोई m मास का बॉल जिसका रेडियस r है ये किसी विस्कस लिक्विड में रिलीज कर दिया गया तो हमें बताना है कि इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी तो देखो हमने जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था वहां हमने देखा था ना कि ये अगर बॉल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी सब फिक्स कर दी जाए ये सब फिक्स कर दें चेंज नहीं करें तो उस टाइम पे टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती थी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती थी ना तो अब यहाँ पे आप चेक करिए जो ऑप्शन है किसमें ऐसा आ रहा है पहला ऑप्शन में देखो बोला गया है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है 1/r के प्रोपोर्शनल है तो ये तो गलत हो गया दूसरे ऑप्शन में बोला गया है टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू m/r है और m किसके प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब 4/3 πr³ डेंसिटी है बॉल का डेंसिटी और वो तो कांस्टेंट है ना ये कांस्टेंट है और नीचे आ रहा है तो ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जा रहा है ना हाँ सर इसका मतलब ये 13th वाला में बी ऑप्शन हो जाएगा
सबको ये कॉन्सेप्ट तो याद है ना, ये क्या कॉन्सेप्ट था? हाँ सर ठीक, हाँ सर समझ। यार कुछ कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो उनका नेट खराब है और क्या? हाँ बराबर है, मतलब अपन कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है उनको। ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ। एक्सरसाइज 2.4 इसका 8th कोई बोल रहा था, एक्सरसाइज 1 का 8 8 भी देख लो जल्दी से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कर लेते हैं अभी। देखो ये क्या है, अगर देखो ये मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं 2-3 मिनट में नई मीटिंग शेड्यूल कर दूंगा ना, तो आप वो मीटिंग आईडी डालूंगा उससे एंटर कर लेना फिर से। हाँ ठीक है सर, अगर नहीं हो पाया तब उस केस के लिए। हाँ ठीक है सर। तो 8 में देखो, अ वायर कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग अ लोड ऑफ 20 kW, वो किलो वेट, केजी वेट, फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक वायर ऑफ ट्वाइस द डायमीटर इज। देखो मैंने ये बताया था ना कि कोई भी चीज को तोड़ने के लिए वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे या फोर्स पर यूनिट एरिया पे। ब्रेकिंग स्ट्रेस हम लोगों ने देखा था ना कि अगर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं और अगर हम उसका आर रेडियस को तोड़ने के लिए मान लो एफ लगा रहे हैं, तो अगर हमने रेडियस चेंज कर दिया, अब फोर्स पर यूनिट एरिया हमें सेम रखना है तोड़ने के लिए, तो एफ बढ़ाना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है सिग्मा बी, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, हाँ ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, याद आया, रेडियस और इन सब की प्रॉपर्टी नहीं होती ना, नहीं नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। उन पे डिपेंड नहीं करता ये। तो सेम मटेरियल के दोनों वायर हैं, तो दोनों को तोड़ना है तो दोनों के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होना चाहिए, चाहे आप यहाँ देखो या यहाँ देखो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एफ फोर्स पे ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे कितने पे होगा, मान लो एफ डैश पे, और दोनों जगह से ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालो, दोनों जगह से हम ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले केस में फोर्स अपॉन एरिया, पहले फोर्स में फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू नेक्स्ट में फोर्स अपॉन रेडियस, डबल हो गया इस बार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश कितना आ जाएगा, 4 times बढ़ गया ना, मतलब पहले एफ 20 था तो अभी कितना हो जाएगा, 80। सर आपका आवाज अटक रहा है। अरे मेरा नहीं अटक रहा है, ये कोई और कैसे आ रहा है, अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ओम कदम डीजे वाले पर तुम कदम डीजे मेरा कुछ संबंध नहीं है, कौन है ये, जिसका देख लो प्रॉब्लम हो रहा है अपना म्यूट कर लो ना, सबको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, इको हो रहा है। तो 8 हो गया, नेक्स्ट बताओ। एक्सरसाइज 2 का 4th सर। सर पहले 3 लीजिए। सर म्यूट ऑन कर दो। कौन हो क्या पी रहे हैं? सर फर्स्ट 3। सर ये वीवो कोई तो है, सर हो रहा है। सर पहले 3 लीजिए एक्सरसाइज 2 का। आंडी मांडी सांडे वो। वीवो वाला ही है भाई, ये कौन है? यौले लगते हैं। अनम्यूट नहीं करना, शांति से एकदम बस सुनाइए, सुनते रहो। हाँ वीवो। हाँ इसके म्यूट करते ही सही हो गया अभी। काट डालेंगे। एक्सरसाइज 2 किलो अभी। आते हो तुम बंद थे। सबको लेके चलो भाई, चल रहा हूँ 2 पे। 1 पे देख लो, अब कुछ नहीं बचा है ना? नहीं सर, 1 हो गए। वन हो गया ना, वेदांत शिंदे। चलो टू हाँ, टू में बताओ। थ्री पर थ्री थ्री लीजिए। थ्री सर। सर इसके बाद थ्री लीजिए। थ्री है सर। ठीक है थ्री देखो।
देखो ये कोई वायर है जिससे हमने m मास हैंग किया, तो ये क्या हुआ, इसमें ये l नीचे चला गया, वायर में l का इलोंगेशन आ गया। जब इलोंगेशन आ गया तो इक्विलिब्रियम पे बोला गया टोटल ऐसा कुछ l इलोंगेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम पे mg बराबर होगा kx, kx मतलब k into l। तो वायर के लिए k कितना बोल सकते हैं, mg बाई l। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर। अब देखो इसमें पहले ऑप्शन में बोला गया है लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई चीज नीचे जाता है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, नीचे जाने पे डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज। ये वीवो वाला कौन है, ये अपना म्यूट रखो, ये वीवो वाले ने वापस अनम्यूट, मैं नहीं तो बाहर निकाल दूंगा, पर डिस्टर्ब कर रहे हो, निकाल दो निकाल। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, नीचे जा रहा है, तो हम बोलेंगे कितना लॉस हुआ, माइनस mgh, h कितना नीचे गया था, l, l। तो पहला ऑप्शन सही है। फिर वायर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, वायर में एनर्जी जो स्टोर होती है उसको हम लोग स्प्रिंग टाइप से लेकर के निकाल सकते हैं ना, हाफ के एक्स स्क्वायर लगा करके, के कितना आया हुआ है mg बाई l, और x कितना आया हुआ है l ना, l ही इलॉन्गेशन हुआ था ना, तो हाफ mg l ना, इतनी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, क्लियर है सबको? सर मुकुंद कुछ भी डाल रहे सर, पहली फुर्सत में निकल क्या क्या डाल रहे। अबे तुम चैट क्यों पढ़ने में लगे हो, तुम सुनो ना, देखो इधर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इतना लॉस हुआ और इतना इसका गेन हुआ, तो देख लो लॉस जितना हुआ उसका आधा ही गेन हुआ है ना, स्टोर कितना हो रखा है उसका, 50% स्टोर हुआ है, 50% कहाँ गया होगा, लॉस हो गया है, हीट, हाँ सर, हीट में चला गया, तो यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस वगैरह होगा तो उसके अगेंस्ट चला गया होगा, अगर एयर वगैरह भी नहीं होगा तो ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा ना, फिर उस टाइम वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। यार ये 40 मिनट वाला टाइम, 40 मिनट वाला वो लिमिट हट गया लग रहा है। हाँ आया था मैसेज अभी। अभी आया था मैसेज। सर वो प्लीज क्वेश्चन टू का ऑप्शन ए बी दिखते समझा दीजिए ना प्लीज। ठीक हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन बताओ सर। सेकंड देखो, एक्सरसाइज टू का सेकंड देखो अभी। हाँ सर, वो इसमें ये बोला गया है कि एक वायर है ए, उससे एक ब्लॉक लगा हुआ है एम, और फिर एक वायर है और यहाँ पे एफ फोर्स लगाया जा रहा है, डॉन मनी तोड़ पाए, ए है ये वायर पी है, और ये देखो दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं ना, दोनों का मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो दोनों के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो सेम होगा ना, सेम होगा। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखो कि वायर का ब्रेक होना फोर्स पे डिपेंड नहीं करता ना, फोर्स पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस पे ना। अच्छा अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, तो अब देखो समझ गया, हो गया फिर। इसका रेडियस कुछ देखो आर ए बोला गया है, इसका रेडियस कुछ आर बी बोला गया है। हाँ सर, और नीचे जो फोर्स लगाया गया इसकी वैल्यू दे दी गई mg by 3। सर आपने क्या बोला, फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया फोर्स पे भी करेगा और एरिया भी, मतलब फोर्स पर भी। हां सर, हां सर, एरिया से। अब देखो अगर यहां पे फोर्स mg / 3 है और ये वायर का कोई वेट नहीं है ना, ये वायर जो है लाइट है, हां तो इसमें ये वीवो वाला देखो अभी तक तो डिस्टर्ब कर रहा था, पढ़ाई करने लग गया, सारा माहौल बना रहा है, निकाल डालो सर, बहुत आवाज हो रहा है, निकाल डालो, बहुत आवाज कर रहा है, आवाज भी म्यूट रखो भाई अपना, एनिमेशन तुझे ना हो पाए, वीवो कर रहा है।
आईफोन ना यार वैसा आईफोन देखो भाई यहां पर आप तो देखो नीचे यहां पे MG by 3 लग रहा है तो यहां टेंशन कितना आएगा ये लाइट है यहां जितना फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए यहां टेंशन कितना आना चाहिए अगर मैं इतने पार्ट का FBD बनाऊं तो ये अगर इतने पार्ट का FBD बनाऊं MG by 3 तो ऊपर टेंशन भी कितना होगा MG by 3 तभी ये पार्ट रेस्ट में होगा ना तो ऐसा मैं कोई भी ऐसा एक पार्ट ले लूं तो उसमें नीचे MG by 3 तो ऊपर भी MG by 3 मतलब नीचे वाले वायर में टेंशन कितना हो रखा है बी वाले वायर में mg by 3 a वाले में ग्रेविटेशन फोर्स और a वाले में देखूंगा तो टोटल कितना वेट नीचे लगेगा एक तो ये वाला वेट प्लस ये वाला फोर्स टोटल नीचे को फोर्स कितना है और mg by 3 का fbd बनाओ तो mg प्लस mg by 3 तो यहां टेंशन कितना होगा ऊपर वाले वायर में 4 mg by 3 ऊपर वाले वायर में हो जाएगा mg प्लस mg by 3 हां डोरेमोन है डोरेमोन डोरेमोन तो अब देखो हमें पूछा गया है a will break before b if ra equal to rb अब अगर ra और rb इक्वल होंगे तो कौन सा पहले ब्रेक होगा अब देखो अगर मैं इसके लिए निकालूं यहां पे अभी स्ट्रेस कितना पड़ रहा है mg by 3 अपॉन में pi r स्क्वायर r में r किसका लेंगे b का और यहां पे देखेंगे तो 4 by 3 स्ट्रेस निकाल रहे हैं ना अभी mg by 3 mg by 3 3 तो लिख दिया था पहले ही mg by 3 अपॉन में pi r स्क्वायर यहां पर a का रेडियस है अब देखो अगर मैं पहले ऑप्शन से सोचूं तो ra अगर rb के इक्वल हो गया तो ये वाला पार्ट तो सेम हो जाएगा नीचे का पाई आर स्क्वायर वाला पार्ट तो ज्यादा स्ट्रेस किधर पड़ रहा होगा फिर ये वाले हां ये वाले पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा ना अगर ए वाले पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है तो पहले फिर कौन टूटेगा ए वाला टूट जाएगा टूटेगा सर सबको ये बात समझ आई जिसका जिसमें स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा वो पहले टूट जाएगा हां अब मेन कांसेप्ट क्या है कि फोर्स जो है वो ब्रेक होना वायर का वो फोर्स पे नहीं फोर्स बाय एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करेगा वही लगा के बस सोच लेना है बी ऑप्शन ये ऑप्शन में देखो क्या है फिर उसके पहले सी ऑप्शन देखो ये तो अभी हमने ए ऑप्शन किया आर ए इक्वल टू अगर आर ए इक्वल टू आर बी हुआ तो उस केस में स्ट्रेस इन ए जो आया वो ज्यादा आया स्ट्रेस इन बी से तो इसका मतलब ए पहले ब्रेक हो जाएगा फिर अगर हम सी ऑप्शन पहले देखते हैं उसमें है अगर आर ए इक्वल टू टू आर बी आ जाए अगर आर ए इक्वल टू टू आर बी आएगा तो सिग्मा ए की वैल्यू देखो कितनी आएगी देखो यहाँ पे अगर मैं टू आर बी डाल दू यहाँ टू आर बी डालूंगा तो टू का स्क्वायर फोर ऊपर से कट जाएगा ये नीचे केवल क्या बचेगा थ्री पाई आर स्क्वायर आर बी सेम हो जाएगा ना तो सेम इस टाइम पर दोनों सेम हो गए सिग्मा ए की वैल्यू आ जाएगी mg by 3 r b स्क्वायर और यही b का भी स्ट्रेस है हां वही ओम का दम ही हां तो इस सिचुएशन में कोई भी पहले टूट सकता है ना क्योंकि दोनों में स्ट्रेस सेम है हां गेट में नहीं आता छोटा जीता है अब अगर देखो यहां पर b ऑप्शन देखें b में क्या है अगर आर ए को देखो जब हम आर ए को बढ़ाते हुए टू आर बी तक लेके जा रहे हैं तब जाकर के इसका स्ट्रेस इसके बराबर हो रहा है उसके पहले यहाँ ज्यादा स्ट्रेस था ना जब तक आर ए आर बी से कम था तब तक ए का स्ट्रेस ज्यादा था ना ना समझो ना आर ए जब तक कम था आर बी तब तक ए का स्ट्रेस ज्यादा था बी से अब हम आर ए को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे अगर हम आर ए को बढ़ाएंगे तो ये कम होता जाएगा इस सिग्मा ए और कम होते होते इक्वल कब आ रहा है जब टू आर बी पे पहुंच जा रहा है टू आर बी पे जाने के बाद इक्वल हुआ तो उसके पहले अगर देखेंगे तो क्या इक्वल हुआ है नहीं टू आर बी से पहले कौन ज्यादा रहा होगा अरे डोरेमोन को नहीं रही अगर आर ए अभी टू आर बी से कम है तो उसका मतलब अभी सिग्मा ए ज्यादा होगा सिग्मा बी से
ये चमका कुछ क्या बोला मैंने? हाँ सर समझ गया सर, चमका सर। अगर ए का स्ट्रेस ज्यादा है तो पहले कौन टूट जाएगा? बी ऑप्शन में ए वाला, तो बी ऑप्शन भी सही दिया है ना। ए बी सी आंसर है। हाँ, और डी लेंथ का कोई मतलब नहीं होता ना ब्रायर के ब्रेक होने में। नहीं नहीं, सो क्वेश्चन फोर ऑप्शन डी, तो उसका ऑप्शन ए बी से डाउट है सर। एक मिनट, क्वेश्चन फोर का। ठीक है, क्वेश्चन फोर देखो। फोर का ए और डी दोनों। फोर देखो, फोर में एक मेटल वायर है जिसका लेंथ दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, यंग्स मॉडुलस दिया है, जिसको हम वेरिएबल फोर्स एफ से स्ट्रेच कर रहे हैं, और एफ इज ऑलवेज स्लाइटली ग्रेटर देन इलास्टिक फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस, देन द एलोंगेशन ऑफ वायर इज एल। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ बोला गया है कि एक कोई वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, और ये जो वायर है लगभग जितना यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स आएगा मतलब के एक्स, उसके लगभग बराबर है, और वो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है ये एफ भी बढ़ाते जा रहे हैं। बोला गया ना कि एफ इज वेरिएबल, और ऐसे खींच के हम इसको कितना तक लेके जाएंगे वायर को, एल इलॉन्गेट कर देंगे। एल इलॉन्गेट, अगर इसकी तो इनिशियल लेंथ एल थी तो बाद में हो जाएगी एल प्लस स्मॉल एल, स्मॉल एल इलॉन्गेट कर दिया। तो वर्क डन बाय कैपिटल एफ पूछा है, ये वर्क डन बाय कैपिटल एफ के लिए क्या करोगे? वेरिएबल फोर्स है तो वर्क कैसे निकालोगे? इंटीग्रल एफ डी एक्स करके। सही है बात ये? हां सर। और f की वैल्यू एक टाइम पे किसके बराबर है? kx के बराबर है, और x 0 से लेकर के l तक जा रहा है, तो ये आ जाएगा k l स्क्वायर बाय k की वैल्यू कितनी डालेंगे? अबे ये क्या चल रहा है, जैसी कोई जो भी कर रहा है। कौन है यार ये सर, पता होगा आपको? कौन है भाई ये? इस वायर की ओरिजिनल लेंथ जो होती है वो होता है ना इलॉन्गेशन, नहीं, और ये स्मॉल एल इलॉन्गेशन है ना। तो ये वैल्यू डाल दी सर, तो इससे ये आ जाएगा a by l square by 2l। सर एक छोटा डाउट है उसमें। हाँ बताओ सर। हम उसे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सेंटर ऑफ मास l by 2 से डिस्प्लेस हुआ है? यहाँ सेंटर ऑफ मास से कोई मतलब नहीं है ना, जो हमारा वर्क होता है वो वर्क किस बात पे डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। वर्क के लिए पड़ा 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 भागो रन फास्ट। नेक्स्ट को तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो उसका ही। अच्छा डी, तो नो हिट। अब अगले में पूछा गया है ये वर्क डन बाय, हम एफ आ गया, और जितना वर्क हुआ होगा स्प्रिंग फोर्स भी उतना ही अपोजिट में लग रहा है ना, तो उतने ही वहां पे हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो गई होगी। ये समझो ना कि हर टाइम पे एफ और के एक्स इक्वल है ना, तो जितना ये प्लस में वर्क करेगा उतना माइनस में, जो माइनस में वर्क करता है वो क्या करता है, एनर्जी ले लेता है। अब वायर निगेटिव कर रहा है मतलब वायर एनर्जी ले रहा है, तो वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है ना, ये प्लस में वर्क कर रहा है मतलब ये दे रहा है। पहले नेट पैक मारूंगे नंतर बोला। तो ये फोर्थ हो गया। हाँ ठीक है, क्या जानते यार, ये म्यूट करना पड़ेगा सबको, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। हां सर, सबको म्यूट कर दो, चैट में बोल दो, इतना तो है नहीं, बस चैट में बोलते हैं इनको कर दो। अरे डोरेमोन को हटा दो, ये शिनचैन इस तरह कोई नहीं।
कोण हसते मधून मुलीचा आवाज काढून शिनचॅन डुकरांना काहीतरी स्वाईन झालेलं आहे माहिती अब जिसको भी क्वेश्चन में डाउट है ना अपना चैट में ही बताओ ना क्वेश्चन नंबर बता दो उसी में तो अभी देखो हम लोग ये फोर्थ कर रहे थे फोर्थ का बी पार्ट भी क्लियर है ए हो गया था फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर तो ये भी हो गया एनर्जी स्टोर कितना होगा जितना ये प्लस में वर्क करेगा उतना माइनस में तो जितना इसने वर्क किया उतने ही स्टोर होगा तो ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी यहाँ पर तो ए और सी सही है फिर नो हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलोंगेशन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना इसने वर्क किया उतना ही यहाँ पे स्टोर हुआ है तो कोई एनर्जी का लॉस हुआ जैसे प्रीवियस में था एमजीएल ग्रेविटी ने वर्क किया था बट उसका 50% ही स्टोर हो पाया था थर्ड प्रॉब्लम में बट यहाँ देखिए ऐसा नहीं है ना जितना ये वर्क करेगा क्योंकि एफ और के एक्स इक्वल है उतना ही ये अपोजिट में वर्क करेगा तो जितना इसने एनर्जी दी उतनी स्टोर हो गई तो कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पर ठीक है क्लियर है ये क्लियर हो गया सबको फोर्थ ना चैट में ही रिप्लाई करो ना ठीक है अब नेक्स्ट बताओ फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी हो गया भाई ओम कब तक करोगे फोर्थ का डी फिफ्थ देखो अब फिफ्थ में Select the correct alternative. Elastic forces are always conservative. देखो जो यहां पर पूछा जा रहा है कि जैसे हम कोई वायर को स्ट्रेच करते हैं तो एक मिनट मुझे थोड़ा ऑप्शन सारे पढ़ लेने दो इसमें क्या कहते हैं देखो इसमें ऐसा कुछ पूछा गया है कि इलास्टिक फोर्सेस देखो हम लोगों ने ये देखा था ना कि अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाते थे तो ऐसा ग्राफ आता था पहले स्ट्रेट आता था फिर वो कर्व होता था फिर ऐसे एक अपर लिमिट तक जाता था फिर यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता था तो जहां तक प्रोपोर्शनल होता था पी बोलते थे यहां तक इलास्टिक लिमिट फिर ये फ्रैक्चर पॉइंट तो जहां तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है वहां तक अगर हम वायर को स्ट्रेच करके छोड़ दे तो वो वापस अपना शेप रीगेन कर लेता है ना अगर शेप रीगेन हो गया तो जितनी एनर्जी स्टोर है सब की सब वापस मिल जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे जो अंदर फोर्स लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स वो कैसा हुआ कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव में ही ऐसा होता है ना कि सारी की सारी एनर्जी वापस मिल जाती है स्टोर्ड एनर्जी फिर अगर हम इलास्टिक लिमिट तक जाते हैं पहले ये ग्राफ सबको याद होना चाहिए ना ग्राफ में क्या था प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इलास्टिक लिमिट पी तक क्या था ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था पी से ई में ये कर्व हो जाता है लेकिन फिर उसके बाद ई पे अगर हम देखें
ई में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी अगर हम फोर्स रिमूव करें तो ये वापस रिकवर कर लेता है ना अपना सारा का सारा शेप। ये पूरा का पूरा अपना शेप रीगेन कर लेता है, तो मतलब सारी एनर्जी रिकवर हो जाती है। अगर शेप रिकवर उसने पूरी की पूरी अपनी लेंथ वापस से रिकवर कर ली, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे सारा का सारा एनर्जी जो था वो रिकवर हो गया। अगर इलोंगेशन रह जाता है तो मतलब कुछ एनर्जी अंदर ही रह जाएगी। तो आपको पता है कि इस रीजन में ई के बाद अगर आप स्ट्रेस हटाएंगे तो ये थोड़ा स्ट्रेन रह जाता है ना, पूरा का पूरा फिर अपनी लेंथ में नहीं आ पाता। तो अगर पूरी लेंथ में वापस नहीं आया मतलब सारी एनर्जी रिकवर नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ, ई तक जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या होता है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। और नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ पे इस रीजन में फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हो जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जी रिकवर नहीं होती। ये कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलास्टिक फोर्सेस हैं वो ई तक कंजर्वेटिव होते हैं और ई के बाद ना नॉन कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे, तो ए ऑप्शन है ऑलवेज कंजर्वेटिव, तो वो गलत है। बी है नॉट ऑलवेज कंजर्वेटिव, वो सही है। सी है कि जब तक हुक्स लॉ वैलिड है, पी तक देखिए हुक्स लॉ रहता है ना, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कब तक आता है, पी तक के लिए ना। लेकिन P से E में भी क्या है, एनर्जी रिकवर हो रही है, तो यहाँ हुक्स लॉ वैलिड नहीं है तब भी एनर्जी रिकवर हो रही है, तो इसका मतलब C ऑप्शन सही नहीं है ना। फिर D में इलास्टिक फोर्सेस में भी कंजर्वेटिव इवन व्हेन हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। तो अब देख रहे हैं ना, P से E में ये हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, इसके बाद भी इलास्टिक फोर्स ये कंजर्वेटिव है, एनर्जी रिकवर हो जा रही है। ये कुछ चमका भाई क्या बोल रहा हूं मैं ना, ये आपको ध्यान रखना है, ई तक सारा का सारा लेंथ रिकवर हो जाता है, ई के बाद लेंथ रिकवर नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग सोच लो ना, तो फिफ्थ का बी और डी आ जा रहा है ऐसे। फिर नेक्स्ट बताओ, ये प्रतीक कौन सा क्वेश्चन पूछा है, स्टील रॉड और एल्यूमिनियम रॉड, वो तीन रॉड वाला क्वेश्चन क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, वो मैं बाद में देख लेता हूँ ना, ये सब हो जाएंगे मॉड्यूल डिस्कशन पे देखता हूँ। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन एट, तो क्वेश्चन एट में देखो क्या है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है ना, राइट नहीं बताना है, ये ध्यान रखना ना, रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बताना है। पहला देखो स्टेटमेंट क्या है, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ऑफ सरफेस। सरफेस टेंशन बोला जा रहा है कि एरिया के प्रोपोर्शनल है, अगर मैं छोटा एरिया लूंगा तो सरफेस टेंशन कम होगा, बड़ा एरिया लूंगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, वाटर का सरफेस टेंशन है टी है तो वो टी रहेगा, चाहे छोटा वाटर का सरफेस लो या बड़ा लो, याद है सबको, सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना, एरिया की नहीं, शेप एंड साइज की नहीं। आप देखो हर जगह क्या लिखते थे कि स्कोप सोल्यूशन या वाटर का सरफेस टेंशन ये है, उसमें ये थोड़ी बताते थे इतने एरिया के लिए सरफेस टेंशन।
फिर नेक्स्ट है देखो एट का बी ऑप्शन ये कौन है भाई जूम यूजर और ये लड़ने में लगे हुए हैं ये कौन है दोनों लोग नाम बताओ अपना ये जूम यूजर कौन है और एवरीवन कौन है दोनों अपने नाम बताओ भाई जल्दी नहीं मैं दोनों को बाहर कर रहा हूँ फिर देखता हूँ कौन हो तुम लोग यार कुछ लोग तो पढ़ना लिखना है नहीं ऐसे ही आए हैं केवल आप तो एट का अब हम लोग आगे देख रहे हैं एट का देखो ए हो गया था बी ऑप्शन देखो बी में देखो बोला जा रहा है प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ सरफेस एरिया एस सरफेस टेंशन टी एंड रेडियस आर इज हायर देन द आउटसाइड प्रेशर बाय 8 टी बाय आर प्रेशर इनसाइड सोप बबल तो बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है 40 बाय आर ना बबल क्या होगा बबल में दो सरफेस होंगे ना अगर बाहर प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाता है अंदर का पी नॉट प्लस 40 बाय आर तो इसका मतलब एक्सेस प्रेशर 80 बाय आर ये जो दिया ये गलत है तो यही अपना आंसर है ना हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताने हैं और पहला वाला क्या था सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये पहला वाला भी रॉन्ग था ना तो पहला वाला भी अपना आंसर है जो जो रॉन्ग है वो बताने हैं सी में देखो क्या है कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ वाटर विद ग्लास इज जीरो डिग्री तो कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ वाटर विद ग्लास जीरो होता है ना क्लीन प्योर वाटर अगर रहे और क्लीन ग्लास रहे तो जीरो डिग्री होता है तो ये सही स्टेटमेंट है सही स्टेटमेंट है तो इसलिए ये अपना आंसर नहीं है स्टेटमेंट गलत नहीं बोल रहा हूँ ना स्टेटमेंट सही है बट ये अपना आंसर नहीं है ना हमें रॉन्ग वाले बताना है फिर डी क्या है मर्क्यूरी हैज लो सरफेस टेंशन देन वाटर मर्क्यूरी हमें पता है ना कि आप अगर कहीं पे भी आप उसको छोड़ो तो ऐसे अपने को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है वाटर से ना ये आपको याद रखना है ना मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है वाटर से तो इसमें बोला है कम है इसका मतलब ये अपना आंसर है ना रॉन्ग स्टेटमेंट में तो ए बी डी तीन आ जाएंगे नेक्स्ट बताओ एक्सरसाइज टू में और कुछ है डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर टेन देखो नाइन
नाइन देख लो भाई। अबे ये टाइम पास नहीं करो यार, ये अब ये डॉन कौन है इसको निकालना पड़ेगा। टाइम पास वाले बहुत लोग आ गए हैं। एक मिनट रुको भाई, एक को बाहर निकालूं पहले, जितने टाइम पास वाले हैं इनको छोड़ता नहीं मैं। अब तो अब नेक्स्ट नाइन्थ था, नाइन्थ वाला कोई और है? ठीक है, नाइन्थ वाला जो था उसको तो बाहर कर दिया, अब कोई है नहीं तो ठीक है। नेक्स्ट बताओ, टेंथ वाला था ना कोई? हाँ टेंथ देखो, टेंथ वाले में when an air bubble rises from the bottom of a deep lake to a point just below the water surface, pressure of air inside bubble is greater than pressure। देखो इसमें बोला गया है कि कोई लेक है और उसके बॉटम से कोई राइज करके ऊपर आता है ना, कोई बबल ऐसे ऊपर राइज करके आ रहा है, तो उसके अंदर के प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड इट। देखो जो अंदर का प्रेशर है वो तो हमेशा बाहर से तो ज्यादा ही होगा। बाहर अगर पी नॉट है तो अंदर कितना होगा? पी नॉट प्लस, ये अंदर 40/r होगा, 2t/r होगा। ये एयर बबल है पानी के अंदर, तो कितना होगा यहाँ पे? 2t/r, 40/r। चैट में आंसर करो भाई, कितना होना चाहिए? और कोई गिरी के अलावा और कोई है? एयर बबल में बाहर अगर प्रेशर पी नॉट है, वाटर के अंदर एयर बबल है, अगर बाहर पी नॉट है तो अंदर कितना होगा? टू टी बाय आर। हाँ, एयर के अंदर जो बबल है उसके लिए बाहर का मीडियम क्या है? यहाँ बाहर क्या है? वाटर है, और अंदर क्या है? एयर है। तो यहाँ पे क्या है, ये इफेक्टिवली देखा जाए हम लोग तो ये क्या है? ड्रॉप है। ड्रॉप में क्या होता है? अंदर और बाहर का मीडियम डिफरेंट होता है ना। जैसे सोप बबल लेते हैं तो सोप बबल में क्या होता है? अंदर भी एयर, बाहर भी एयर। तब ना वहां दो सरफेस होते हैं, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस। लेकिन अगर हम ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप में क्या होता है? बाहर एयर है और अंदर वाटर है, तो एक ही सरफेस हुआ ना ये। तो ऐसे पानी में, अगर पानी में आपने एयर ले लिया, पानी में एयर लिया तो क्या है? बाहर वाटर, अंदर एयर, तो वहां केवल एक ही सरफेस है ना, ये केवल एक सरफेस है ऐसे समझो। तो यहाँ पे अंदर कितना होगा? 2t/r प्रेशर ज्यादा होगा, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, ये तो सही बात है। तो ए ऑप्शन हो गया इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड इट, वो सही है। बी ऑप्शन गलत है। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा कम होगा? अगर हम ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं तो बाहर का प्रेशर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अगर बाहर का प्रेशर कम होता जाएगा तो ये अंदर का प्रेशर भी क्या होता जाएगा? अगर बबल के ऊपर से प्रेशर कम करेंगे तो ये एक्सपैंड होने लगेगा ना, एक्सपैंड होगा तो क्या होगा? अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा ना? तो सी ऑप्शन गलत है, डी सही है ना, डिक्रीजेस एज द बबल मूव्स अप। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दो सही है। ये कौन है आईफोन वाला क्या बोल रहा है? मी आल्सो सही करुण लय तेरा टाली। अबे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ये कौन सी लैंग्वेज है? समझ नहीं आ रही मुझे।
मराठी में लिखा है क्या तुमने? करुण ले जो रात आली, क्या बोलना चाह रहे हो? ये कौन है आईफोन वाला लास्ट मैसेज जो आया हुआ है? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ भाई। कॉम्प्रिहेंशन वन, कॉम्प्रिहेंशन वन तो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, वही सब कुछ पूछा गया यहां पर। देखो कॉम्प्रिहेंशन वन देखो सब लोग, कॉम्प्रिहेंशन देखो वन में बोला गया है कि एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं क्या क्या गिवन है। ये पूरा वही पॉइजली इक्वेशन वाला है ये कॉम्प्रिहेंशन वन, कि अगर हम कोई ऐसा ट्यूब ले लें जिसका रेडियस कुछ आर है, और अगर उसमें दोनों साइड में प्रेशर डिफरेंस कुछ, मान लो इधर से प्रेशर पी वन है इधर से पी टू है, तो प्रेशर डिफरेंस अगर कुछ पी है तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी अंदर वो वैरी कर रही होगी एक्सिस के लॉन्ग वी नोट होगा, तो आर डिस्टेंस पर ये मान लो कैपिटल आर ले लेते रेडियस, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो वी होगा उसकी वैल्यू हम लोगों ने देखो वीडियो में डिराइव किया था वो ये दिया हुआ है वी नोट वन माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और वी नोट की वैल्यू पी आर स्क्वायर अपॉन में 4 eta L 1 minus R square by R square, ऐसे होगा ना, ये V की वैल्यू दी हुई है, और जो रेट ऑफ फ्लो होगा Q, जिसको हम लोगों ने वीडियो में dQ by dt लिखा है रेट ऑफ फ्लो, तो वो क्या हो जा रहा है प्रेशर डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस, तो वही सब वैल्यू डाल के ऐसे दे दिया गया है, तो ये सब मेरे हिसाब से याद होगा सबको, वीडियो देखा होगा। तो अब देखो इसमें क्या है, केवल फिफ्थ बताना है कॉम्प्रिहेंशन का, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ देखो, प्रेशर डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब इज, देखो हमें प्रेशर डिफरेंस पूछा गया एट द एंड ऑफ ट्यूब, तो अगर इसमें हमें देखो ये जो प्रेशर डिफरेंस P पूछा गया है, और हमें यहां पर ये दिया हुआ है ना, ये वाला जो टर्म है ये किसके बराबर है V नॉट के, तो V नॉट के टर्म में ये सॉल्व कर लो, ये बात समझो, ये बराबर है V नॉट, तो इससे P निकाल लो, इसको यूज करके आप ऐसे लिख लोगे ना, वी नॉट इक्वल टू दिया है कॉम्प्रिहेंशन में पी आर स्क्वायर अपॉन में 4 ईटा एल, तो पी से कितना बोल सकते हैं 4 ईटा एल वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो ये प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, फिर पांचवा देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्यूब
ड्यू टू लिक्विड इज ना, पांचवे में हमें पूछा गया है कि लिक्विड के वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, मतलब ये विस्कस फोर्स की बात चल रही है ना। तो देखो ये विस्कस फोर्स कैसे निकालोगे आप, यहां पर ये जो ट्यूब है इससे ये पूरा लिक्विड फ्लो करके जा रहा है ना, ट्यूब के अंदर ये पूरा लिक्विड का सिलेंडर ले लो जो जा रहा है, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स लग रहा होगा ना ट्यूब पर, ट्यूब लिक्विड पे लगा रहा होगा, लिक्विड ट्यूब पर, लिक्विड का हर एक लेयर आपस में फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमें ट्यूब पे चाहिए, ट्यूब पे चाहिए तो केवल हम एंड पे देखेंगे सरकमफेरेंस पे कितना विस्कस फोर्स है। तो सरकमफेरेंस पे विस्कस फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस पे विस्कस फोर्स के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे ईटा ए डीवी बाई डी जेड। अब यहां पर यहां एक्सिस से हम देख रहे हैं ना वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वी हमें देखो आर के टर्म में गिवन है, वी नॉट वन माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहां से वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना बोलेंगे 2r अपॉन में r स्क्वायर, तो ये हमारा देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया। एरिया कितना बोलेंगे, एरिया ये कर्व पार्ट का बोलेंगे ना, और ये सारी वैल्यू यहां डाल दो तो विस्कस फोर्स आ जाएगा f इक्वल टू ईटा, a की वैल्यू होगी 2 बाय r इंटू l, और ये देखो हम लोग सर्कमफेरेंस पे देख रहे हैं तो स्मॉल r की वैल्यू यहां कितनी डाल देंगे r, यहां डालेंगे तो ये 2 v नॉट बाय r बचेगा केवल, ये आ जाएगा 2 v नॉट बाय r वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां पे हम वैल्यू डाल रहे हैं ना, ईटा डाल दिया, a डाल दिया, dv बाय dr की वैल्यू ये डाल देंगे हो जाएगा 4 पाई ईटा v नॉट l ना, कुछ ऐसे आ जाएगा ना विस्कस फोर्स। ये कुछ समझ आया क्या क्या किया, एक बार इसका मेरे को आंसर चेक कर लेने दो, एक्सरसाइज 3 का 5 का सी, हाँ ठीक है ये आंसर दिया, सब कुछ समझ आया ना। अब नेक्स्ट बताओ इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज 4 आज नहीं करने वाला मैं ना, आज एक्सरसाइज 3 तक ही करूंगा। कॉम्प्रिहेंशन 2 का 5th, कॉम्प्रिहेंशन 2 का 5th देख लो भाई एक बार, कॉम्प्रिहेंशन 2 का 1 और 2 भी, कॉम्प्रिहेंशन 2 का पहला देखो, देखो इसमें बोला गया है कि जैसे जो भी लिक्विड अगर हम लेते हैं तो इसमें कोई भी मॉलिक्यूल अपने आसपास के मॉलिक्यूल की वजह से अट्रैक्ट होता है, तो ये कितनी दूरी तक के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करते हैं, ये आर की वैल्यू क्या होती है, तो ये शायद मेरे हिसाब से 10^-9 था, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे भी, थ्योरेटिकल वैल्यू आपको याद रखना है ना, तो नैनोमीटर के रेंज में होता है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कॉम्प्रिहेंशन 2 का पहला, हाँ ठीक है ना, नैनोमीटर के रेंज में रहता है, ये आपको याद रखना है ना, ये कुछ निकालने जैसा नहीं है। ठीक है, अच्छा ये पैराग्राफ में भी लिखा ही हुआ है मतलब, हाँ ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया। अब इसका सेकेंड अगर हम देखें, सेकेंड में बोला गया है फ्री सरफेस एनर्जी स्टोर्ड इन सरफेस इज बिकॉज ऑफ वर्क डन by cohesive force against the cohesive force, by adhesive force against the
तो जो सरफेस पे एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस वजह से होती है? जैसे कोई भी हम सरफेस में जब लिक्विड डालते हैं तो जो अंदर के मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे आ जाते हैं ना, सरफेस नया बनता है जब भी, तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन को ओवरकम करके सरफेस पे जाना पड़ता है। जब भी आप नया सरफेस बनाओगे तो ये एडहेसिव फोर्स के अगेंस्ट उसको ऊपर जाना, सॉरी कोहेसिव फोर्स, सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं उनके जो फोर्सेस है उनको ओवरकम करके ऊपर जाना है। तो ये पैराग्राफ पढ़ लो ना, उसमें लिखा है, तो कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में जाना पड़ रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ना। ठीक है, कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर जाना पड़ता है तो इसलिए वर्क डन होता है, वही एनर्जी स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट कौन सा है कॉम्प्रिहेंशन टू में? कॉम्प्रिहेंशन टू में फिफ्थ बोल रहा था कोई? फिफ्थ में देखो ये हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी जो लिक्विड होता है वो हमेशा उसका सरफेस, उस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, उससे 90 डिग्री पे मेंटेन करता है ना। अगर हम इसको एक्सेलरेट कराते थे तो याद है आप, ऐसे एक्सेलरेट कराते तो ऐसे हो जाता था, क्योंकि अगर हम लोग कंटेनर के फ्रेम से देखेंगे तो नेट फोर्स हर एक मॉलिक्यूल पे ऐसे लगता दिख रहा था ना, सीडो फोर्स और वेट का, तो उससे 90 डिग्री पे सरफेस अपने को अरेंज कर लेता था। लिक्विड कभी भी नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा तो उसको वो रोक सकता है ना, टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो लिक्विड फ्लो करने लग जाएगा। लिक्विड में सियर स्ट्रेस नहीं होता ना, बल्क स्ट्रेस ही केवल होता है। तो यही चीज यहाँ पूछा है, लिक्विड अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं झेल सकता तो फोर्स उस पर कैसे होना चाहिए, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ना, जो भी उसका रिजल्टेंट लिक्विड सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर नेट फोर्स लग रहा होगा। कॉलम मैचिंग देख लो, एक्सरसाइज फोर में कितने डाउट होंगे? एक्सरसाइज अच्छा वैसे एक ही है तो फिर वो भी कर देता हूं डिस्कस। मैट्रिक्स मैच देख लो पहले उसके, देखो इसमें कॉलम वन दिया है, कॉलम टू दिया है, पहले वाले में बोला गया है टर्मिनल वेलोसिटी का क्या होता है, पी क्यू आर ये ऑप्शन इनमें पढ़ते हैं, एवरेज डेंसिटी बिकम लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसका इससे तो कोई मतलब नहीं समझ आ रहा है। अपथ्रस्ट इज जीरो, वैरीज विथ वेलोसिटी, अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स, ये क्या लेट करना है। ये मेरे हिसाब से ये फोर्सेस रिलेट करना है, देखो जो हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकालते थे उसमें क्या होता था कि कोई भी जैसे बॉल है वो नीचे गिर रहा है तो उसपे नीचे को एमजी लग रहा होता था, ऊपर को बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स, और जब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाते थे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती थी, याद है ना। विस्कस ड्रैग, भाई विस्कस फोर्स की बात हो रही है,
तो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है? अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स, इन चीजों पे डिपेंड करता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक तो एस ऑप्शन हो जाएगा, फिर बी वाला ऑप्शन देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी कैन ऑल्सो फ्लोट, देखो हाई डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट भी फ्लोट कर सकता है पानी में। जैसे मान लो स्टील की हॉलो बॉल बना लो, अगर हॉलो होगा तो भले ही इसकी डेंसिटी ज्यादा है बट अंदर से हॉलो है तो एवरेज डेंसिटी तो कम हो जाएगी ना लिक्विड से। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी कैन ऑल्सो फ्लोट, ये किसको रिलेट कर रहा है कि अगर एवरेज डेंसिटी कम हो देन द लिक्विड। तो ये वाला जो बी वाला पार्ट है वो पी को रिलेट कर रहा है। तो ये समझ आया कुछ क्या बोल रहा हूं? सी वाले में अ बीकर हैविंग अ लिक्विड अंडर अ फ्री फॉल, अगर कोई बीकर को आप लिक्विड उसमें रख दो और फ्री फॉल करोगे, फ्री फॉल कराओगे तो अब इसके अंदर हर पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा ना, जो बाहर P नॉट है वही अंदर हर पॉइंट पे होगा। फ्री फॉल के टाइम पे इफेक्टिव जी कितना हो जाएगा? जीरो। तो अंदर कोई भी पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है कोई भी लिक्विड में? बाहर का प्रेशर अगर P नॉट है तो अंदर कितना होता था? P नॉट प्लस एच रो जी इफेक्टिव। फ्री फॉल में जी इफेक्टिव जीरो है तो अंदर हर जगह प्रेशर सेम है। अगर प्रेशर सेम होगा तो कोई बॉयंट फोर्स लग पाएगा। बॉयंट फोर्स क्यों लगता था? कोई भी ऑब्जेक्ट रखते थे तो जो प्रेशर डिफरेंस आता था इधर से प्रेशर की वजह से, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लगता था। तो प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो अपथ्रस्ट जीरो हो जाएगा ना। तो सी ऑप्शन को क्यू से रिलेट कर देंगे। फिर डी में विस्कस ड्रैग, मतलब वही विस्कस फोर्स है। जो विस्कस फोर्स है वो क्या होता था? 6 पाई ईटा आर वी, मतलब वी के प्रोपोर्शनल होता था ना। तो वैरीज विद वेलोसिटी, इसको आर से रिलेट कर दो। विस्कस ड्रैग मतलब ये आर वाले ऑप्शन से रिलेट कर दो। मैट्रिक्स मैच क्लियर है सबको? हाँ